हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब सर्व। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो MPNHMCHO का एग्ज़ाम हुआ है 17 अप्रैल को, यहाँ पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है सेम्स के थ्रू। यहाँ पर जो है 17 अप्रैल का एग्ज़ाम हो चुका है और जो है इसका दो शिफ्ट में यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में यहाँ पर जो है पेपर हुआ है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स ने भेजे हैं, तो जैसे जैसे हमको क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर छोटी छोटी PDF बना के उसके जो है आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी आंसर की आने में करीब करीब एक हफ्ते का समय लगता है। तो आपको पता है कि अभी एक ही दो दिन हुआ, एक दिन एग्ज़ाम हुए हैं दो दिन, तो ऐसे में अभी जो आंसर की आने में कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम अभी लगने वाला है। तो इसी क्रम में जो है सबसे पहले हम यहाँ पर आपको आंसर की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट वन एक तरह से यहाँ पर है, छोटी छोटी PDF आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं उनका ये नहीं क्लियर कि वो शिफ्ट वन के क्वेश्चन हैं या शिफ्ट टू के हैं, ये आप लोग अपना खुद से चेक कर सकते हैं उसमें कि किसके में कौन सा क्वेश्चन आया था या किस शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ से आप आंसर मिला सकते हैं, अपने अपने जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं सीधा जो है आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किसी भी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज नोन एज। तो जो है यहाँ पर स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मायोलॉजी। तो जो भी कैंडिडेट्स के में क्वेश्चन आया था, चाहे वो शिफ्ट फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो, वो अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज नोन एज मायोलॉजी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। 12 से 13 क्वेश्चन एक PDF में रहेंगे, आप 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे मिला सकते हैं, सभी कैंडिडेट्स मिला सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ये PDF जारी की, इसके बाद जो है इसकी दूसरी PDF आएगी, जैसे जितने जितने क्वेश्चन हमको मिलते जाएंगे तो 10-10, 12-12 PDF क्वेश्चन की जो है PDF यहाँ पर हम डालते जाएंगे, जिससे वीडियो काफ़ी लंबी भी ना होने पाए और सभी लोग आसानी से मिला भी सके। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसी सीरीज में जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा गया था फाइब्रस लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज। तो यहाँ पर फाइब्रस लेयर पूछा जा रहा है, तो इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा, पेरिकार्डियम। यहाँ पर पेरिकार्डियम इसका सही आंसर है, तो आप देख सकते हैं पेरिकार्डियम इसका सही आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख सकते हैं ऊपर, फाइब्रस लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज। तो फाइब्रस लेयर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना, तो यहाँ पर पेरिकार्डियम नाम से इसे जाना जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स, देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 लेयर्स में। तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, द पार्शियल पेरिकार्डियम एंड द वेस्कुलर पेरिकार्डियम। तो ये पे 3 पे डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इसी क्रम में, यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर स्थित है इसका पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हैदराबाद। हैदराबाद में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा, हैदराबाद। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है वो आप पूछ रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस हाउ मेनी आर्टरीज एंड वेंस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है कितने जो है आर्टरीज और वेंस होती है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा द कार्ड कंटेंस 3 ब्लड वेसल्स, 3 होती हैं जिसमें कि 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस हाउ मेनी आर्टरीज एंड वेन्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको यहाँ पे देखिए 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। इसी क्रम में जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को पाएंगे आप, यहाँ पर पूछा गया था हीमोग्लोबिन लेवल्स इज डिक्रीज इन व्हिच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन लेवल का किस जो है ट्राइमेस्टर में जो है कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ट्राइमेस्टर में जो है हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पूछा गया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दिवस जो है कब मनाया जाता है, कब होता है। तो इसका सही आंसर होगा 28 जुलाई को यहाँ पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस डे जो है कि कब होता है, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस सिंबल पूछा गया था कि हाँ इसका सिंबल क्या होता है, ICDS का सिंबल पूछा गया था, किसका सिंबल पहचानना था क्या होता है। तो इसका सिंबल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सिंबल ये होता है, आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो सिंबल है वो क्या है, ये सिंबल इसका यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड में जो पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर बर्थ्स डेथ्स एंड माइग्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बर्थ्स डेथ्स एंड माइग्रेशन जो है ये इसका सही आंसर होगा। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन द पर्पज ऑफ मेंटेन वाटर लेवल इन द ह्यूमिडिफायर। तो यहाँ पर जो है वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन द पर्पज ऑफ मेंटेन वाटर लेवल इन ह्यूमिडिफायर, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोशा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया देख रहे हैं, विच हार्मोन हेल्प सेक्रेशन ऑफ HCl इन स्टमक। तो HCl जो होता है हार्मोन, इसका सेक्रेशन कौन करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो इसका जो है दिया है, सही आंसर क्या होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है HCl का जो है सेक्रेशन करता है यहाँ पर स्टमक में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी सीरीज में दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, रातापानी टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट, यानी रायसेन जिले में जो है आपका टाइगर रिजर्व पड़ता है, कौन सा, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, BMI रेंज बिटवीन 25 to 30 नोन एज, नो एज मतलब जो है 25 से 30 के बीच का जो BMI होता है उसको किस नाम से क्या कहते हैं या किस नाम से आया, तो वो जो है ओवर वेट को रिमार्क करता, ओवर वेट को रिमार्क करता 25 से 30 के बीच में अगर BMI है तो। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में जो है लास्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिया गया है हु इज करंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करंट लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, इसके जो है सही आंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव जो है, भूपेंद्र यादव जो है वो इस समय केंद्रीय जो है केंद्रीय मंत्री हैं, किसके, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन की ये सीरीज यहाँ पर पहला PDF आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से और भी जितने भी क्वेश्चन सभी हमको प्राप्त हुए उनके भी आंसर आपको जल्द आपको यहाँ पर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ से अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं और अपना जो है मार्किंग क्वेश्चन की कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होगी पहली PDF, ये पार्ट वन है, इसी का पार्ट टू आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर बता दें, क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आपको दोनों में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मिले थे हिंदी और इंग्लिश में, तो जो भी जैसे क्वेश्चन भेज रहा है हम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, तो इसमें से थोड़ा सा अगर मिस्टेक भी हो गए तो आप लोग उसको अपना मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स पूरे जो है ये 13 क्वेश्चन का PDF मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, ये सभी कैंडिडेट्स मिला लें और अपना मार्क्स काउंट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स पूरे यहाँ पर जो है मैंने PDF आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।